कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का एक ऐसा पेपर बताऊंगा तो 50 नंबर की जवाबदारी है एक ही वीडियो से। तो चलिए, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा मुश्किल से, और आपके 50 से 55 नंबर पक्के हो जाएंगे। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस यल्त्सिन। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में। निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा की नीति का तत्व उपरोक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त कर दिया तो कौन सी गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौती थी? राष्ट्र निर्माण की। गुट निरपेक्षता का शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जॉर्ज लिस्का ने किया। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया इतना। यहाँ पर ब्रिटेन यूनियन का उदय मेस्टे संधि के फलस्वरूप हुआ। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक बाजार का जन्म होता है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। समग्र क्रांति प्रतिपादक जय प्रकाश नारायण थे। ठीक है, जोड़ी सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप, तो 1979 एड्स का कारण विषाणु, और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, स्वर्ण मंदिर। करगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच, और दर आयोग 1948। यहां से बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, है ना। ये है अब एक वाक्य में उत्तर। यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए? चार्ल्स मितले। सार्क का पूरा नाम बताइए? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रह्मण्यम। ठीक है, 1947 में बिहार का आंदोलन किस नारा का क्या नारा था? लिख लेते थोड़े, ये देखिए, यहाँ से देखिए मैंने भर दिया है पूरा, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हो गया। इसके बाद है सत्य असत्य, तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा जो है वो असत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा जो है वो सत्य रहने वाला है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। यहाँ से ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको उसे ना। चलिए, द्विध्रुवीयता का अर्थ बताइएगा? सोवियत संघ प्रणाली। तो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही जल्दी, ठीक है, प्रोवाइड भी करा दूंगा। यहाँ से देखिए, संयुक्त संपदा का उदाहरण पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां। नियोजन का अर्थ, उसके 2 उद्देश्य। भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत, ट्रैक टू कूटनीति से अभी क्या, ग्रेड आयल्स क्या से है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, 15 है, ठीक है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, 20,